हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं सेरोटोनिन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सेरोटोनिन के बारे में दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है तो साइकोसिस होता है, अगर उसका लेवल कम होता है तो अगर उसका लेवल बढ़ता है तो साइकोसिस होता है, और अगर उसका लेवल कम होता है तो डिप्रेशन होता है। तो हम साइकोसिस में क्या करना चाहेंगे, उसका लेवल डिक्रीज करना चाहेंगे, और डिप्रेशन में उसका लेवल क्या करना चाहेंगे, इंक्रीज करना चाहेंगे। आपको पता है एगोनिस्ट सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाते हैं और एंटेगोनिस्ट सेरोटोनिन का लेवल कम करते हैं। तो इसमें हम एंटेगोनिस्ट यूज़ करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, डिप्रेशन में एगोनिस्ट यूज़ करेंगे। तो टोटल 7 रिसेप्टर होते हैं सेरोटोनिन के, उसको 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन भी कहा जाता है सेरोटोनिन को। तो उसमें 7 रिसेप्टर होते हैं, 5HT1, 2, 5HT7। उसमें से सारे रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, मगर उसमें से जो एक रिसेप्टर होता है 5HT3, वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर नहीं होता, वो होता है आयन चैनल रिसेप्टर, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। और इसमें से सारे जो होते हैं, जिसमें से मेनली जो हम पढ़ते हैं, उसमें जो रिसेप्टर 5HT1, 2, 2 और 3, उसके बाद 4। तो ये जो 1 है वो, ये इसको हम ऑटो रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि वो प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। और ये GI कपल होता है, और 5HT2 GQ कपल होता है, और 5HT3 GS कपल होता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो सेरोटोनिन का सिंथेसिस कैसे होता है, एक न्यूरॉन है। इधर क्या होता है, ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होता है। जीपैड में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रिकर्सर है सेरोटोनिन के सिंथेसिस में, तो आपको ट्रिप्टोफैन को राइट कर देना है। तो ट्रिप्टोफैन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज, इट इज कन्वर्टेड इनटू 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। मतलब ट्रिप्टोफैन का कन्वर्जन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज किसमें होता है, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में होता है। और इस स्टेप को हम रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं, और जो है टायरोसिन हाइड्रो सॉरी ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है उसको रेट लिमिटिंग एंजाइम कहते हैं। उसको इनिबिट करने वाला एक ड्रग होता है, उसका नाम होता है पैरा क्लोरो इनाइल अलानाइन, पैरा क्लोरो इनाइल अलानाइन। उसके बाद 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट होने के बाद उसका कन्वर्जन 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन में होता है, उसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। तो उसको सिंथेसाइज करने के लिए एक एंजाइम लगता है, वो होता है डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, इसको इसका 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन में क्या करता है, कन्वर्जन करता है। 1 मिनट, तो इसके बाद ये जो तैयार हुआ है, इसमें 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, ये वेसिकल में जाके क्या होता है, ये वेसिकल में जाके 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन इसमें क्या हुआ है, सिंथेसाइज हो गया है, और ये वेसिकल में जाके स्टोर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इधर वेसिकल में एक पंप होता है, आपको पता है VMAT2, वेसिकुलर गोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर, उसके थ्रू ये क्या होता है, इसमें एंटर होता है और इस वेसिकल में स्टोर होता है। इस स्टोर पंप को, इस जो इसमें स्टोर होना होता है जो 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, इसको इनिबिट करने वाला ड्रग कौन सा है, रेजरपिन। ये रेजरपिन क्या कहता है, करता है इस VMAT2 पंप को इनिबिट करता है, और इसकी एंट्री वेसिकल में होने नहीं देता। उसके बाद फेनफ्लुरामाइन भी होता है, वो भी क्या करता है, इसकी एंट्री वेसिकल में होने नहीं देता। उसके बाद ये वेसिकल में एंट्री हो गई, कुछ जो उसमें 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन है, उसके बाद जो एंट्री उसमें हो गई, तो उसके बाद वो क्या करेगा, साइनस में आएगा, और ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर है उस पर एक्ट होगा। एक्ट होने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म एक एंजाइम करता है, उसका नाम है माओ, वो इसका मेटाबॉलिज्म करता है 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में। तो इस एंजाइम को नॉन सेलेक्टिवली, मतलब इसमें जो माओ में ए होता है, ए ज़्यादा माओ में जो ए होता है, ये प्रिपरेबल होता है मेटाबोलाइज करने के लिए इस सेरोटोनिन को। मतलब माओ ए जो एंजाइम होता है इसमें, वो ज़्यादा करता है सेरोटोनिन को एज कम्पेयर टू माओ बी मेटाबोलाइज। तो माओ नॉन सेलेक्टिवली, माओ में दो प्रकार होते हैं, आपको पता है माओ ए और बी, और एक ड्रग होता है जो दोनों को भी इनहिबिट करता है नॉन सेलेक्टिवली, उसका नाम है ट्रैनिंग सीप्रोमिन,
ट्रेनिल सी प्रोमिन, उसका नाम है ट्रेनिल सी प्रोमिन। तो माओ ए को पर्टिकुलरली इनहिबिट करने वाला भी एक ड्रग है, उसका नाम है, माओ ए को पर्टिकुलरली इनहिबिट करने वाले ड्रग का नाम है क्लोरग्लाइन, क्लोरग्लाइन। इसके बाद ये अपने रिसेप्टर पे एक्ट होता है, अपना काम करता है, काम करने के बाद इधर एक पंप होता है, इधर एक पंप होता है, इसके थ्रू इसका रिएक्टेक होता है, रिएक्टेक होने के बाद ये क्या होता है, इस पंप के थ्रू, हिमैट के थ्रू अंदर जाता है, जा जाता है। इस पंप को इनहिबिट करने वाले जो ड्रग होते हैं रिएक्टेक इनहिबिटर, उसका नाम है ल्योक्सेटीन पैरोक्सेटीन, ल्योक्सेटीन एंड पैरोक्सेटीन। और भी बहुत सारे ड्रग आप देख लेंगे, पीडीबी पार्टी इसेंशियल ऑफ फार्माकोलॉजी। तो ये था उसके सिंथेसिस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।